तो ये हमारा क्रैक हो गया है क्योंकि हमारे हिंच बहुत ज्यादा टाइट हो गए हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो रखे हैं हिंच, जिस वजह से ये हमारी टूट जाती है। ये इस मशीन में डिसएडवांटेज होती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल है 3491 डेल वोस्ट्रो। मॉडल हम कहाँ से देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मॉडल हम कहाँ से देखते हैं, ये हमारा कवर है, हमने खोल रखा है लैपटॉप। ये आप देखोगे बॉटम है इसका, ये बॉटम पे यहाँ पे आप देखोगे इसमें लैपटॉप में डेल में कहीं ना कहीं सर्विस टैग नंबर आपका लिखा होगा। इस सर्विस टैग नंबर को हम ऑनलाइन डालते हैं डेल सपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे जाके, तो ये आपको पूछेगा कि आप इसका सीरियल ये नंबर डाल लो, आपका सर्विस टैग नंबर डाल लो। तो सर्विस टैग नंबर जब हम डालते हैं तो हमारा मॉडल नंबर ऑनलाइन दिखा देता है। ये रही पहली बात इसकी। अब हम बात करते हैं इस मशीन के बारे में कि ये मशीन कैसी होती है, ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, इसका व्यू कैसा होता है, कि ये कितना 14 इंच में मशीन होती है। ये जो है हार्ड डिस्क के साथ है, बैटरी बैकअप इसका अच्छा होता है। अब हम स्क्रीन की यदि बात करें तो स्क्रीन इसमें फुल HD स्क्रीन होती है, तो ये फुल HD स्क्रीन इसकी एंटी ग्लेयर वाली स्क्रीन इसमें लगती है। SSD का भी इसमें ऑप्शन है, M.2 SSD का ऑप्शन है हार्ड डिस्क के साथ, तो स्पीड के मामले में भी अच्छी होगी। वोस्ट्रो इसका जो डेल का वर्जन है बहुत ही एक स्टार्टिंग वर्जन है, वोस्ट्रो इंस्पिरॉन आपकी लैटिट्यूड इस प्रकार की इसकी सीरीज आती है, Alienware आती है, G3 सीरीज आती है, तो इस प्रकार डेल है, डेल की बहुत सारी सीरीज आती है। हमारा नॉर्मल नोटबुक की सीरीज है डेल वोस्ट्रो जो है, वो नोटबुक है कि आप घर के काम के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या कोई आपका कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इस टाइप के लिए ये आपका मशीन काम आती है। अब हम इसकी बात करते हैं कि प्रॉब्लम की, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमारी इस मशीन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसकी बॉडी की प्रॉब्लम आ रही है। ये आप देखोगे इसकी बॉडी टूटी हुई है, ये हिंच इसका टच पैड जो है इसके ऊपर का वो इसमें टूटा हुआ है, ये आप देख लो। तो ये हमारा क्रैक हो गया है क्योंकि हमारे हिंच बहुत ज्यादा टाइट हो गए हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो रखे हैं हिंच, जिस वजह से ये हमारी टूट जाती है। ये इस मशीन में डिसएडवांटेज होती है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। हम इसको डिसएडवांटेज भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने देखा, जो हमने इसमें बात ऑब्जर्व की है तो ये की है कि कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, इसका स्क्रू टूट गया था। ये आपसे देखोगे यहाँ पे पूरा होल हो गया है, ये स्क्रू इसमें लगा हुआ है, तो ये कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया इस पे, तो ये वजह से पहले हमारा बेस खराब हुआ है, उसके बाद हमारे टच पैड पे आई है। तो इस चीज से बचने के लिए हम आपको सलाह देंगे कि अपने स्क्रू टाइम टाइम पे टाइट कराते रहें। बैक साइड में कोई एक स्क्रू ड्राइवर ले लो नॉर्मल सा लैपटॉप का, और ये बैक के सारे स्क्रू टाइट करते रहो, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल की मशीनें जो है ये दो ढाई साल पुरानी है, इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी थोड़ी हल्की आ रही है, जिस वजह से ये हमारी मशीनें की ये बॉडी पार्ट टूटते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, दो कंडीशन है कि हम इसी को भी रिपेयर कर सकते हैं, अंदर से प्लास्टिक गला के इसी पे हम इसको दोबारा से इसी में फिक्स कर सकते हैं, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हमारा टच पैड पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो हम टच पैड भी आप इसमें चेंज करा सकते हो, पर 90% हमारी रिपेयर होकर बॉडी चल जाएगी, 6 महीने 8 महीने 1 साल, और थोड़े हमें इसके हिंच लूज कराने हैं तभी भी ये जब मशीन हमारी रेडी हो जाएगी। तो हम आपको दिखाते हैं हम इसकी बॉडी कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ये ठीक होगी।
हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं।